Hello guys, I'm your maths teacher Mr. Manoj sir and this is your maths books, maths bites. आज आपका टॉपिक है यूनिट 5 का अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास हैं. जैसे हमारे पास इसमें पहली चीज वेरिएबल, ठीक है. व्हाट आर वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं. वेरिएबल्स बेसिकली जो हमारे एक्स वाई जेड ये जो नंबर्स होते हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं. वेरिएबल्स में हमारे पास ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी हमारी ऐसी वैल्यू होती है जिनकी वैल्यूज कॉन्स्टेंट नहीं होती. अगर हम किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो 1 आती है, किसी में निकालते हैं 2 आती है, किसी में निकालते हैं 3 आती है, तो वो वेरिएबल्स हो जाते हैं हमारे जिनकी वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं रहती है. इसके बाद आते हैं आपके पास लाइक और अनलाइक. नंबर 2 टर्म्स, ये दो तरह की होती है आपके पास लाइक और अनलाइक. लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या वेरिएबल्स सेम होते हैं. अगर एक्स वाले हैं तो वो लाइक हो जाएंगी, वाई वाले हैं तो वो लाइक हो जाएगी, और जेड वाले हैं तो वो लाइक हो जाएगी. लेकिन एक्स वाई जेड तीनों वाले हैं तो वो अनलाइक हो जाएगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका 2x, 4x, 5x ये लाइक हो गए और ये हमारे अनलाइक हो जाएंगे. 2x, 3y, 5z, ठीक है. इनके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेम है और इनके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेम नहीं है. तो ये हमारे लाइक्स हैं और ये हमारे पास अनलाइक्स हैं, ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास लाइक्स और अनलाइक्स. उसके बाद टर्म्स की बात करते हैं, एक्सप्रेशन टर्म्स. एक्सप्रेशंस टर्म्स, ठीक है. अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है 2x कोमा 2x प्लस 3y कोमा 2x प्लस 2x प्लस 3y प्लस 5z, तो ये हमारी सिंगल टर्म है, ये हमारी डबल टर्म है और ये हमारे पास ट्रिपल टर्म है. 1, 1, 2, 1, 2 एंड 3, ठीक है. जो सिंगल टर्म वाले होते हैं उनको बोलते हैं मोनोनोमियल. जो सिंगल टर्म वाले होते हैं उनको मोनो बोलते हैं लोग, मोनो. और जो डबल वाले होते हैं उनको बायो, एक ट्रिपल वाले ट्रायो, और इससे आगे के जो होते हैं उनको बोलते हैं पॉली, ठीक है. मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रायोनोमियल एंड पॉलीनोमियल्स. तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 181 पर, ठीक है. तो ये इसकी टर्म्स आपकी यहां पर दे रखा है. इसमें ये मोनोनोमियल, ये बायोनोमियल और इसके बाद आपके पास ट्रायोनोमियल्स एंड देन यहां पर है आपके पास डिग्री. डिग्री में हम लोग क्या करेंगे, डिग्री में हम लोग देखते हैं कि जो इसकी पावर है वो कितनी है, ठीक है.